गोविंदं प्रपद्येऽहं दीनान्यजयकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्दजलायदार्शं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपवेशम् इन्द्राजदेवनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसेनम् नवजलधरवरणं चम्पकोद्भासितरणम् विकसितनलिनाशियं विस्फुरन् मन्दहासियम् कनकडुसुकूलं चारुवर्हावशूलम् कमपि निखिलसारं नोन्गोपीकवारम् वंशी विभूषितकरान्नवनीयदाभात् सीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाध्यासवशीकृते मनसा चन्द्रगुणं निष्क्रियम् ज्योती किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचरन् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मोढावति समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त भगवान के पावन चरण कमलों में सभी को नमस्कार। जरूर लेकर के फिर कांटे साफ करें, फिर आके अरे बोले ये तो धूप से और ये चौका दिया था जो फट गया तो फिर गोबर लावे, फिर उसको लीपे और बोले आगे तो खाएंगे क्या, तो फल तोड़ करके अपना ले आवे वो रखे। इस अब दिन भर उसका यही काम, दिन भर यही काम। राम आवेंगे, भगवान राघवेंद्र आवेंगे, सरकार आए ही तो बड़े सुकोमल है वो, उनको कहां बैठाऊंगी। और अगर उनको गर्मी लगी तो तार के पत्ते तोड़ लाई, पंखा बना ले, बोले यूं यूं हिलाऊंगी, यूं हिलाऊंगी। और अगर आ गए और मैं उनके चरणों में गिरूंगी, पर कहीं अलग हो गए तो मुझे नहीं छुआ तो बोले नहीं, मैं छिप जाऊंगी, वो कहेंगे तो सामने आऊंगी। अच्छा तो आते ही होंगे, बस उसकी यही काम रास्ता बुहारना, उस चौकी को बार बार लीपना, बार बार नए नए फल लाना, कभी छिपने की सोचना और कभी चरण पकड़ने की सोचना, और बार बार रोती रहना, ये उसका रात दिन का काम। इतना अनुवाद बड़ा उसका भगवान ने कि राघवेंद्र खिंच आए। अब भगवान चित्रकूट में पहुंचे, भगवान जब आए तो खबर लगी, पहले से खबर थी सरकार आ रहे हैं। तमाम मुनियों ने देखा कि आज बड़ा अवसर है, सब बड़े बड़े विद्वान, तो उन्हें देखा हमारी कुटिया में आवेंगे, तो हमारी कुटिया में आएंगे। सब अपने सजा सजा करके कुटिया रखी, तमाम पुस्तकें रख दी, पूछेंगे भगवान बताएंगे हम इतना पढ़े और उनको तमाम वेद के वचन सुनावेंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, बड़ा आनंद होगा। सबके मन में चाह आए, वो सब खड़े बेचारे, तो कईयों से तो पूछा ही नहीं, किसी ने सामने आकर के आशीर्वाद दिया तो प्रणाम करके पूछ लिया, बोले महाराज वो शबरी कहाँ रहती है। बड़ा दुख मालूम हुआ, वो हमसे तो पूछा ही नहीं कि तुम कौन हो और शबरी कहाँ रहती है, पूछने लगे सरकार। बुरा न माने भला कोई, इसमें ब्राह्मणत्व का अपमान नहीं है, ये तो वर्ण धर्म से परे की चीज है।
ना हम वर्णी न गृहपति ही, ऐसा कहा भक्तों ने। नो बनस्थो यतिर्वा, न हम ब्रह्मचारी हैं, न हम गृहस्थ हैं, न हम वानप्रस्थ हैं, न हम सन्यासी हैं, न हम राजा हैं, ये सब न हम क्षत्रिय हैं, न वैश्य हैं, न वैश्य न वैश्यो न शूद्रो, न वैश्य न शूद्र हैं, किंतु पूजन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धि गोपी भरपूर पद कमल युर दास दासानुदास, ऐसे जो दास दासानुदास होते हैं उनकी चर्चा है ये। तो क्या हुआ कि पूछा नहीं और सीधे पहुंच गए सबरी का, सबरी का मानो इनमें भी पागलपन आ गया। जितना जितना सबरी का आश्रम दूर मिले क्योंकि वो तो दूर चली गई थी, इतना तो जल्दी चले, जरा दौड़ने लगे शबरी जी का कहा, शबरी जी का आश्रम कहा, शबरी जी थी तो जरा जाकर छिप गई पेड़ की आड़ में कि कहीं भगवान कह दे तो भाई इसकी छाया क्यों पड़ गई। तो जरा सा छिपी, पर ये जब सबरी 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 पुकारते पुकारते पास पहुंचे तो देखा कि गदगद हो रहे हैं। तो सबरी जी को देखा इस प्रकार से, सबरी जी ने तब सामने आ गए। अब उधर तो राघवेंद्र जो है भगवान राघवेंद्र, वो सबरी जी के लिए मानो व्याकुल से हुए। तो सबरी देख राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ दिए भाए। सबरी देख राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ दिए भाए। सरस लोचन ध्यान करिए, सरस लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उड़ बनमाला। सरस लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उड़ बनमाला। श्याम गौर सुंदर दुभागी, सबरी परी चरण लपटारी। श्याम गौर सुंदर दुभागी, सबरी परी चरण लपटारी। प्रेम मगन मुख बचन नयावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। प्रेम मगन मुख बचन नयावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल है चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। कंदमूल फल सरस अति, दिए राम कसान। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। बड़ा मधुर प्रसंग है जब ये भगवान राघवेंद्र श्याम गौर दोनों भाई वो जगत के मुक्तमणि सौंदर्य माधुर्य के मनु मूर्तिमान अवतार, जिनके बड़े विशाल कमल रोशन हैं, जटाओं का सुंदर मुकुट बना रखा है सिर पर, जिनके वक्षस्थल पर वनमाला लहरा रही है बड़े सुंदर, निर्भय हो गई है, कोई मन में शंका रही नहीं। प्रभु प्रभु जो मेरा नाम लेते आ रहे हैं, मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। तो ये सामने दिखते ही चरणों में लिपट गई, लिपट गई भला, चरणों में
उसने भोग नहीं खाई, भोग खाने का होश नहीं रहा उस समय उसको, ये होश तो पीछे आया। पहले तो उसने देखा जो ही सामने सामने देखा, श्याम गौर सुंदर दुभाजी सबरी परी चरण लपताजी। श्याम गौर सुंदर जोड़ी को देखते ही सबरी ने दोनों के चरणों को पकड़ लिया और वहां सबरी ने क्या किया ये इसके बाद विधि की गति होगी, अब विधि नहीं है। सबरी के आंखों से कितने आंसू बहे कि भगवान के चरण धुल गए। ये जो प्रेम मगन शब्द है इससे ये बात सिद्ध होती है, तो प्रेम में निमग्न हो गई, मैंने प्रेम की जितनी दशाएं हैं वे सब दशाएं सबरी जी में प्रकट हो गई। सबरी जी प्रेम की दशा को प्राप्त हो गई, सारी जो प्रेम की विकृतियां जिन्हें कहते हैं, जिनको प्रेम के लक्षण कहते हैं, वे सब लक्षण सबरी जी में प्रकट हो गए। तो प्रेम मगन मुख बचन नयावा, मारे प्रेम के उनके मुख से बचन नहीं निकला। प्रेम मगन मुख बचन नयावा, पुण्य पुण्य पद सरोज सिर नावा। प्रेम में निमग्न हो गई, प्रभु कहते सबरी जरा छोड़ दे, जरा पैरों को छोड़, पर सबरी तो बोल नहीं सकी, वो बोल नहीं रही, मुख बचन न आवा। प्रेम के मारे सबरी की वाणी बंद हो गई, सबरी के नेत्रों से जल बहने लगा, सबरी ने नेत्रों की जलधारा से भगवान के चरणों को पखार दिया और बार बार वो न मालूम क्या क्या उसके करने लगी, कभी सराहने लगी, कभी सूंघने लगी, कभी क्या करने लगी। प्रेम की दशा में सबरी ने मग्न हो गई, भगवान ने कहा जरा उठो, तब कुछ होश आया तब उठी, पर उठने पर रहा नहीं गया, उठी फिर चरणों में गिरी, फिर चरणों में शीश रखा, भगवान ने कहा जरा उठो तो बात तो सुनो, उठी फिर सिर रखा। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। बार बार उस स्वर्ण कमलों में सिर नवाने लगी। ये चला बहुत देर तक। अब भगवान खड़े हैं, उनको भी बैठने के लिए नहीं कहा गया, तो भगवान बोले सबरी अरे दूर से हम आए हैं, जरा जल ला हम पैर धोएं। अब होश आया, अरे मैं तो अब तक जल लाए नहीं, ये प्रभु तो अब तक खड़े और मैंने इनको बैठने के लिए नहीं कहा, खड़े ही थे अभी तो। देखा ना, देखते ही श्याम को सुंदर दो भाई, यहाँ बैठने की बात नहीं आई, बैठेंगे इसके बाद, खड़े रहे देर तक, इसने चरण छोड़े नहीं, बार बार सिर नवाती नहीं। तब भगवान ने कहा राघवेंद्र ने की सबरी जरा जल तो ला पैर धोए। तब सादर जल ले चरण पखारे, उन्हें सुंदर यातन बैठारे। बड़े आदर के साथ चल ला करके कहा सरकार मैं धो दूंगी, मैं धो दूंगा, आज बड़ा अवसर मिला ना, किसी मुनि ने अवसर नहीं दिया आज तक इसके हाथ का जल स्पर्श करे। पर भगवान राघवेंद्र ने कहा जल लाओ, तो बड़ा साहस हुआ, बड़ा हर्ष हुआ, सबरी जी स्वयं जल लाई और कहा नाथ मैं धो दूं, तो भगवान ने पैर आगे कर दो। सागर जल ले चरण पखारे, धो दी तरह पर अपने पल्ले से पहुंच लिए, पहुंच ले कहा महाराज चौकी पर बैठ, वो गोबर मिट्टी के बनी हुई चौकी सुंदर आसन पर बनी था, वहां पर बन में कौन सा गलीचा उसके पास आया था, महल थोड़ा ही था, गरीब नहीं बिचारी,
जो दृढ़ है सब पूछा, महाराज दूर से आए हैं, भूख भी नहीं होगी, विकार हो तो रखा था पास ही, वो तो कंद मूल फल जो है वो लाया था किसी न मालूम दिन में कई बार, एक बार नहीं। बोले ये तो जरा बासी हो गए, ये तो कुछ देर के हो गए, जरा सी इसमें बोले सिकुड़न आ गई, तो ये फल तो राघवेंद्र के काम का नहीं, फेंक दिया उसे, संरक्षण में लावे इसका यही काम। तो सब ला करके कंदमूल फल सुरस यति दिए राम कहानि, ला दिए। बोले महाराज भोग लगाया, वो खाने लगे। अब खाने की जो बात है वो बड़े विचित्र है, भगवान एक फल को लें और लेकर की तरह से उसका ग्रास तोड़े और खाना तो बंद कर दिए। अरे बोले सबरी, ये तू कहां से ले आई, तो बड़ा मीठा भाई, ये तो ऐसा बढ़िया तो हमने कभी जीवन में खाया ही नहीं। हम जनकपुर भी गए और हम अयोध्या में भी रहे और बड़े बड़े हमारे यहाँ तो, लेकिन हमारे किसी बगीचे ऐसा फल तो हुआ ही नहीं। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने, इसमें बात क्या थी। ये भगवान जो है ना, कि जहां कहीं प्रेम देखते हैं वहां इन्हें बड़ी भूख लगती है, और वहां जो मिलता है इतना मीठा मालूम होता है कि उतना मीठा मानो कभी इन्होंने खाया ही नहीं जीवन में। जो मैंने प्रश्न सुनाया था ना, जब लौट गए वहां पर अयोध्या में और जब राज सिंहासन पर समासीन हो गए और जब वशिष्ठ मुनि की पत्नी ने घर बुलाया, कौशल्या मैया ने और कई कई माँ ने और माताओं ने जब अपने घर बुला के जिमाया, तो मित्रों ने घर में निमंत्रण दिया, तो जनक महाराज ने जब बुलाया अपने घर, बड़ी तैयारी हुई, तो चारों जगह राम ने अपना शीर छोड़कर, राम बड़े शीरमान, शीर छोड़कर के राम ने अपना ये कह दिया कि भाई ये वो स्वाद तो इसमें नहीं। घर गुरु गृह प्रिय सतन सासुरे भई जह जह पहुनाई, घर गुरु गृह प्रिय सतन सासुरे भई जह जब पहुनाई, तह तह कही सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। जब जहां पहुनाई हुई वहीं जाकर के सरकार बोले भाई चीज तो बड़ी अच्छी बनी, बड़ा सुंदर है ये, पर भाई क्या बताऊं, हमें तो जब खाने बैठते हैं तब वो सबरी वाले देर याद आ जाते हैं कि भाई वो जैसे मीठे थे, बड़ा बड़ा अच्छा मैया जी आपके यहाँ का बड़ा अच्छा बना, सारा तो खराब कर दिया ये कह करके, बड़ा अच्छा बना तो उससे ही अच्छा था। पर राम इतने इतने इस प्रेम के सबरी के देरों को खाकर विमुग्ध हुए कि राम भूल गए। तो प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान, बारंबार शब्द जो है एक बार नहीं, कहीं खा करके हम लोग जैसे धन्यवाद देते हैं, बोले आपके यहाँ आज अपने अपने हमने भोजन किया और बड़ा अच्छा किया आपने, बड़ी अच्छी चीज आपने खाने को दी और धन्यवाद, ये धन्यवाद नहीं दिया भगवान ने, वो खाते खाते बारंबार बखान, खा रहे हैं और बार बार बखान रहे हैं, बड़ा अच्छा, एक ग्रास लिया पर ये तो उससे भी मीठा है, ये तो उससे भी बहुत अच्छा है। अब ये बिचारी, ये तो इसका तो जो जो भगवान बड़ाई करें और जो जो भगवान उसके प्रेम की सराहना करें, क्यों तो इसका प्रेम बढ़ता चला जाए। ये प्रेमी और प्रेमास्पद के प्रेम की वृद्धि का तरीका होता है, क्या तरीका होता है, ये प्रेम का स्वभाव है प्रेमास्पद को सुखी देखना, तो सुख सुखी तुम, और जो प्रेमास्पद को सुखी देखता है तो क्या होता है, उसके सुख को देख इसको सुख मिलता है, तो इसका सुख और बढ़ता है,
जब इसको वो सुखी देखते हैं तो उसका उनका और बढ़ता है। इस प्रकार प्रेम और सुख, प्रेम और सुख ये बढ़ते जाते हैं, असीम की ओर जाते हैं, इनकी कहीं सीमा नहीं होती। तो पान जोर आगे भज ठाढ़ी, प्रभु ही दिलो की प्रीति अति बाढ़ी। पान जोर आगे भज ठाढ़ी, प्रभु ही दिलो की प्रीति अति बाढ़ी। वो भगवान का सौंदर्य, वो भगवान का माधुर्य, वो भगवान के प्रेम से भरी आंखें और वो भगवान की मधुर वाणी शबरी। तने बड़ी तैयारी की, नहीं हमारे लिए कैसे कैसे बढ़िया फल ला के रखे, इनको तो खा करके हम तृप्त होते ही नहीं भाई, ये तो बड़े मधुर लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। यूं बार बार सुन सुन करके और शबरी जी की प्रीति अत्यंत बढ़ गई। शबरी जी ने सोचा कि स्तुति करें, पर कुछ कहना आता नहीं, बोलना आता नहीं, तो उन्हीं से कहने लगी, कई विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। कई विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। और फिर अधम से अधम अधम अति नारी, तिनमह में मति मंद अघारी। अधम से अधम अधम अति नारी, तिनमह में मति मंद अघारी। दैन्य प्रियत्वाच, ये भगवान जो है इनको दैन्य बड़ा प्यारा है। जहां कहीं जिसके जीवन में दैन्य आ गया, और जीवन का दैन्य जिसकी आंखों में, जिसकी वाणी में, जिसके जीवन में उतर आया, उस दैन्य को देखकर और भगवान जो है बिगड़ जाते हैं, उस दैन्य के हाथ दिख जाते हैं। तो हाथ जोड़ के सामने खड़ी हो गई, प्रेम इसका अत्यंत बढ़ गया और बोली, सरकार नाथ मैं तुम्हारी स्तुति कैसे करूं, एक तो मैं जात की अधम फिलनी, और कहीं कुछ समझदार होती तो बात थी, जड़मति भारी, बुद्धि से मैं अत्यंत जड़, जात से अधम और बुद्धि से अधम। और फिर ये अपना दैन्य बताते हैं, अधम से अधम अधम अति नारी, कुछ जात से अधम, बुद्धि से अधम, और फिर उनमें भी मैं अधम, नारी जाति मुझे कोई अधिकार नहीं। और फिर महाराज मैं अत्यंत मतिमंद, और लेकिन एक विश्वास है, आप अघारी हैं, आप पाप का नाश करने वाले हैं, मेरे पापों की ओर आप देखते तो मेरी कुटिया पर आप आते कैसे, मेरी कुटिया पर पधारे आप, इसी से सिद्ध हो गया। अघारी जो भी संबोधन है, यहाँ पहले पैर ये संबोधन दिया सबरी ने, तो सबरी ने जान लिया कि भगवान जो है अघ का नाश करने वाले हैं, अघारी आप हैं, आप जानो अब मैं क्या कहूं। भगवान ने फिर प्रेम बढ़ाने की बात कही, और भगवान ने ऐसी बात कही कि जिसमें प्रेम का प्रताप उन्होंने प्रकट कर दिया। वो बोले, कह रघुपति सुन भामिनी दाता, मानव एक भगत कर नाता। कह रघुपति सुन भामिनी दाता, मानव एक भगत कर नाता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन
बल परिजन चतुराई पर भगत हीन नर सोहई कैसा बिनु जल बारिद देखिए जैसा। भगवान ने कहा राघवेंद्र बोले कह रघुपति भामिनी भामिनी संबोधन भामिनी सुनो बात भाई मैं जो हूँ प्रेम का भगवान प्रेम का ठाकुर ये कोई संबंध नहीं मानता मैं केवल संबंध मानता हूँ भक्ति का प्रेम का संबंध मानता हूँ। कोई बड़ी जाति का हो कोई बड़ा पंक्ति पावन हो हमारे यहाँ पंक्ति पावन ब्राह्मण होते हैं जिसका कुल बड़ा ऊंचा हो जो बड़ा धर्मात्मा हो सारे जगत में जिसकी कीर्ति फैल रही हो जो बड़ा धनी हो जिसके पास सब प्रकार के बल हो जिसके परिजनों का पार न हो जो बड़ा गुणवान हो और जिसके पास सारी चतुराई भरी हो ये सब गुणों के नाम ले लिए बस यही गुण सब हैं जिनके पीछे लोग स्वागत हैं। जाति पांति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन चतुराई का ऐसे भी अगर कोई हो लेकिन उनमें अगर मेरी भक्ति नहीं तो भगत ही न नर सोही कैसा बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जैसे बिना पानी के बादल व्यर्थ के बादल केवल शोभा शोभा उसमें है बस उनमें कुछ सार बार नहीं है इसी प्रकार ये जाति पाति कुल धर्म बलाई धन बल परिजन गुण चतुराई ये शब्द सब व्यर्थ हैं भक्ति के बिना। अब उसको जिज्ञासा हुई कि भाई भक्ति क्या है तो भगवान सिद्ध करना चाहते हैं मैं जिसको भक्ति मानता हूँ उस भक्ति की तुम तो मूर्तिमान प्रतिमा हो ये बतलाने के लिए भगवान भक्ति की व्याख्या करते हैं। तो भगवान बोले नवधा भगत कहू तो पाही सावधान सुनो धर्म मन माही प्रथम भगत संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगत यमान चौथी भगत की मम गुणगन करई कपट तजिगान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सो वेद प्रकाशा छठ दम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा सातव सब मोहि मह जग देखा मोते संत यधिक कर लेखा आठव जथा लाभ संतोषा सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोस ही हरस न दीना नवम एक जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई सोयति सय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। इस प्रकार का सुंदर प्रसंग है कि भगवान की बताई हुई इन भक्तियों को आदमी समझ ले और इनमें से एक भी जीवन में उतार ले तो भगवान कहते हैं इनमें से अगर एक भी जिनके हो चाहे कोई हो वो नारी हो नर हो या जीव चराचर में कोई भी हो वो मुझे बड़ा प्रिय होता है
तो भगवान के प्रिय बनने का, भगवान का प्यारा बनने का, जिसके यहाँ भगवान स्वयं आ जाए पूछते हुए, ऐसा बनने का साधन जो है ये भगवान ने यहाँ बताया। इनकी व्याख्या नहीं करता, बहुत केवल शब्दार्थ करता हूँ। पहली भक्ति है संतों का संग, विषयी पुरुषों का, विषयी लोगों का, विषयी जन का, विषयी वातावरण का परित्याग और संत का संग, ये पहली भक्ति। दूसरी भक्ति है भगवान की कथा में प्रेम, ये सुनना नहीं, सुनना दम से भी होता है, सुनना और किसी हेतु से भी होता है। तो भगवान दूसरी भक्ति में कथा प्रसंग, कहते हैं कि मेरी कथा प्रसंग में जिसके मन में रति हो, जो सुन सुन के कभी अघावे नहीं, सुनते ही जिसके प्रेम बढ़ जाए। और तीसरी भक्ति क्या है, मान छोड़कर, अमानी होकर, अभिमान का त्याग करके श्री गुरु के पद पंकज की सेवा करें, ये तीसरी। चौथी भक्ति क्या है कि मन में कपट न रखकर, वहां तो है अमान, गुरु की सेवा में मान का त्याग करें, वहां मान की बात आई विशेष रूप से, अभिमानी बन जाए, मन में दूर से गुरु को हाथ जोड़ ले, गुरु सेवा नहीं होती, मान का त्याग करके गुरु की सेवा करे, ये तो हुई तीसरी भक्ति। चौथी भक्ति क्या है, मम गुण गण करई कपट तजगान, कपट छोड़कर मेरे गुण गणों का प्रेम पूर्वक गान करे, ये चौथी। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, बड़े विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास करके भगवान के नाम मंत्र का जाप करे, अथवा भगवान में दृढ़ विश्वास रख करके भगवान के नाम मंत्र को जपे, ये पांचवी भक्ति। और इंद्रियों का दमन करे, शील रहे और बहुत ज्यादा धंधों में न पड़े, विरति बहु कर्मा, अधिक कर्मों से बचा रहे। और नित्य निरंतर जो संतों का धर्म है उसको धारण करे, ये छठी भक्ति। और सारे संसार को भगवतमय देखे, पर संत को भगवान से भी विशेष देखे, ये सातवीं भक्ति। जो कुछ मिल जाए, मान अपमान अच्छा बुरा, उसी में संतोष करे, तो स्वप्न में भी कभी भूल कर भी दूसरे के दोष को न देखे, ये आठवीं भक्ति। और हृदय में सरलता हो, किसी के साथ भी छल न करे, और मन में भगवान का बड़ा भरोसा रहे, और संसार के किसी भी पदार्थ की प्राप्ति में न हर्ष हो और न उद्वेग हो, इस प्रकार ये नवी भक्ति। तो कहते हैं कि इन नौ में जिसके एक भी होती है वे भी मुझको बड़े प्यारे होते हैं, तो तेरे में तो ये सब के सब सुलभ है। जोग वृंद दुर्लभ गति जोही, तो आज सुलभ भय सोई, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव सहज स्वरूपा। जीव का सहज स्वरूप क्या है, भगवद्धन हो जाना, भगवान का भक्त होना, ये जीव का सहज स्वरूप है। यहाँ यही प्रसंग है, तो कहा कि मेरे दर्शन का ये अनुपम फल है, तुम बस मेरी हो गई सदा के लिए। भगवान ने सबरी को स्वीकार कर लिया, ये श्री रामायण में सबरी जी का प्रसंग है। अब अगली बात थोड़ी से भक्तमाल की कहने, पूरा कर देना। इस प्रकार से
क्या कह बजे पांच समय कहूंगा फिर भी आ जाए। खैर इस प्रकार से जब शबरी जी को भगवान ने निज जन स्वीकार कर लिया तब वो इसके बाद मुनियों के पास ऋषियों के पास पधारे। ऋषि मुनि सब आ गए थे। भगवान बड़े ब्रह्मण्य हैं, भला भगवान के सम्मान ब्रह्मण्य देव ये ब्राह्मणों के बड़े भक्त। ये तो नवदा भक्ति यहाँ बताई शबरी के लिए, ये भक्ति प्रेम की थी इसलिए यहाँ पर उपसंग नहीं आया। और जगह जहाँ भक्ति गई वहां विप्र पद पूजा ये भक्ति का एक अन्यतम अंग बताया, यहाँ वो प्रसन्न नहीं था। तो भगवान बड़े ब्रह्मण्य देव इसका दो बार बताइए। इसमें विप्र पद पूजा पहला प्रथम भक्ति, हाँ पहली भक्ति जो है वो ब्राह्मणों के पदों की पूजा है। ये अन्यत्र जो भगवान ने भक्ति बताई है, भगवान नहीं राम नहीं, वो ठीक प्रसंग के अनुसार है। ये प्रसंग जो था शबरी का, तो यहाँ पर तो जाति पांच कुल धर्म बढ़ाई इन सब का निराश करना था ही नहीं है, इन सब का तुच्छ बताना था, तो यहाँ कैसे बताते। तो खैर तो भगवान बड़े ब्राह्मण दे तो ब्राह्मणों की सेवा में पहुंचे, हाथ जोड़े, सबको प्रणाम किया, सबसे आशीर्वाद लिया, सबके पास बैठे और सबका कुशल पूछा और सबको आप्यायित किया बड़े नम्र वचनों से और कहा कि देखो महाराज ये बुढ़िया रही बुढ़िया और मैंने सुना था बहुत दिनों से कि पागल सी हो गई है, बार बार उठती है, दौड़ती है, भागती, झाड़ू लिए फिरती है, कहीं मर वर न जाए, आप लोग तो विवेकशील हैं, इसमें प्रेम के बाद भी विवेकी प्रेमी नहीं होता, जहाँ प्रेम होता है वहां विवेक सारा घट जाता है, तो इसमें ये व्यंग नहीं है, श्लेष है। भगवान जो है उनकी वाणी जो होती है वो सब के लिए सर्वार्थमयी होती है। तो भगवान ने कहा आप बड़े विवेकवान हैं, आप ज्ञानी हैं, आप यहाँ तो अभी मैं आ गया तो आप बुरा नहीं मानेंगे, महात्मा आप हैं, आपकी मुझ पर हमेशा कृपा रहती है, पर वो कहीं बुढ़िया मर जाती तो बड़ी मुश्किल आप लोगों को ही होती, इसलिए मैं पहले वहां गया, आप कृपा आपकी। तो सब ब्राह्मण जो है ना, तुम्हारा एक गुण की बात हूँ, ब्राह्मण के समान सरल हृदय महात्मा जगत में कोई जाति हुई नहीं। सरलता को मना संतत्व, संत बनना चाहती जो है सरल। तो ब्राह्मणों को ये ब्राह्मण को राजी करना हो तो ऐसे भोले हैं ये, जरा सी तारीफ की हाथ पर जोड़े कि ब्राह्मण देवता बड़े भूल गए सर पहली बात। अब दुर्वासा को एक आजा हो तो दूसरी बात है, बाकी ब्राह्मण से बड़े सरल, बड़े बड़े सरल प्रसन्न हो गए, बड़े राम जी तुम्हारा क्या कहना, आप तो महाराज चक्रवर्ती सम्राट ही हैं, पर ये तो पिताजी ने वनवास दे दिया और आ गए तो आपके समान तो आप ही हैं, प्रसन्न ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों ने अब दूसरी बात फिर आई, ब्राह्मण ने कहा महाराज हमें एक कष्ट, बोले क्या, तो कहा इस शबरी के कारण से हुआ हो या कैसे हुआ हो, हमारा जो पंपा सरोवर है इसका जल खराब हो गया, एक बार महाराज इसको आप शुद्ध कर दें। तुमने कहा भी हम शुद्ध कैसे कर देंगे, आप लोग बड़े भारी आप विद्वान हैं। तो कुछ बोले नहीं नहीं आप भगवान, आप चल के एक बार आचमन कर लें उस पानी का, शुद्ध हो जाएगा हमारा विश्वास। तो भगवान राम जी बोले अच्छा अच्छा तुम चल के साथ। तो राम जी गए, जा करके भगवान ने जल लिया, वहां के तमाम कीड़े उसमें सब बिल्कुल कीट सब चल मिला रहे, भगवान ने यूं घसा घसा के आचमन लिया, आचमन कर दिया। तो कहा भाई देखो हमने तो आचमन कर लिया और जल तुझों का तो रहा, तो जो आप पैर रखिए इसमें। भगवान ने पैर रखा जल तुझों का तो रहा, तो ब्राह्मण ने कहा महाराज फिर क्या उपाय करें, आप भी आ गए तभी शुद्ध हुआ। तो भगवान बोले भाई एक बात हमारे ध्यान में एक बात आती है,
वो बुढ़िया जो है ना यहाँ पर सबरी, ये क्यों कहते हैं कि पहले की क्या घटना हुई आपके यहाँ उसकी? कहा वो बुढ़िया जो है वो सबरी, उसने हमारे चरण धोए और बड़ा दयित थी, वो तो बड़ी साध्वी है ऐसा मालूम होता है। तो जो काम भगवान से नहीं होता वो काम संत से होता है। तो भाई हमारी तो यहाँ पर देखो तुम्हारी कुछ हुआ हुआ नहीं, उसको बुलाओ, और कहीं वो आकर के इसमें चरण रख देगी तो हमारा विश्वास है कि हो जाए। तो इस पर कई तरह की कथा आती, वो यहाँ नहीं कहनी है, कोई कोई तो यहाँ तक कहनी कथा उन्हें बताना। उस दिन महाराज जी ने विजय राघवाचार्य जी ने कि ब्राह्मणों ने यूं तो बोले छुएंगे नहीं, तो एक डोली बनाई, बना करके उसको ला के पटक दिया उसने। पर ऐसी बात नहीं यू कहे हम कि उसके पास गए जाके बोले कि अच्छा शबरी तू चल, शबरी डर गई, बोले कहीं डुबो देंगे उसके अंदर। तो कहा राम जी ने बुलाया है, पर राम जी ने बुलाया तब तब चलने का आपत्ति है। शबरी आ गई, जब शबरी पंपा सरोवर के तट पर आई तो भगवान ने कहा कि शबरी जी देखो अब तुम तो जा रही हो परम धाम में, ब्राह्मणों का एक काम कर जाओ। बोले महाराज क्या आ गया? तो कहा बस इसमें जरा सा अपना चरण इसमें रख दो इस पंपा सरोवर में, तो महाराज पवित्र हो जाएगा, बोले पवित्र हो जाएगा तो इसको हम ठीक कर। सभी ने चरण रखा, चरण रखते ही तमाम जल विशुद्ध हो गया, तमाम कीड़े वीड़े जो थे सबकी मुक्ति हो गई, सब कीड़े तमाम उसमें रहे नहीं कोई भी, और जल निर्मल हो गया, स्वच्छ हो गया। तब ब्राह्मणों ने कहा कि भाई बात ठीक है, ये कभी कभी जो ऐसा है ना हो जाता है। वो सुधन्वा रहे महाराज, तो वहां भी एक ऋषि अड़ गए, बोले ये इसके बाप ने जरूर जरूर सुधन्वा के बाप ने बेईमानी की, ये बेटा है ना, प्रतिज्ञा कर ली थी सुधन्वा के पिता ने, घोषणा कर दी कि सवेरे जो इतने समय तक ना आ जाए रण में उसका सिर उगा दिया जाए। तो क्या हुआ कि वो तेल का कड़ाहा था, सुधन्वा को हो गई देर तो उसमें डालने की बात हो गई, तो इनके वो बड़े भारी बड़े महात्मा रहे, इतने बड़े महात्मा, वो इतने बड़े त्यागी, इतने बड़े सदाचारी स्मृतिकार, भाई के घर में से फल ले आए तो हाथ कटवा दिया ऐसे। तो उन्होंने राजा ने पूछ लिया कि महाराज इस कारण से देर हुई है, तो इसको तेल कड़ाही में डाल देगा? तो ऋषि बोले कि बेटा है ना, इसलिए पूछवाया, दूसरा सब क्यों पूछवाता, जाते हम। तो राजा उनको मना करके ले आए, तेल के कड़ाहे में सुधन्वा को डाल दिया गया। जब सुधन्वा गया अंदर, उसने भगवान के नाम की ध्वनि की, ध्वनि करते करते उसने बैठ गया, जला नहीं। जब जला नहीं तब बड़ा आश्चर्य हुआ, ऋषियों ने कहा कि जरूर कोई न कोई बेईमानी की, इसके बाप ने तेल में नहीं जला। तो नारियल उठा के फेंका कि नारियल अगर फूट जाता तो ठीक, तेल उबल रहा नहीं, इतनी उबल रहा तो नारियल फट गया, उसकी लग भी गई। तब ऋषि ने कहा कि भाई ठीक है, ये भगवान के नाम का महात्म्य, भगवान के प्रेम का महात्म्य। तो शबरी जी की कथा इस प्रकार समाप्त होती है। अब समय हो गया, बहुत देर मुझको हो गई और आप पधार गए हैं। अब दुलसियावर रामचंद्र की जय। यह शबरी जी के भक्ति विषय व्याख्यान पुष्टि भाई जी द्वारा आज मिति आषाढ़ कृष्णा चतुर्दशी मंगलवार को दोपहर में 4 बजे दिया गया। गीता ओम।